नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज जो मार्केट है डॉ जोन्स में भारी गिरावट है, साथ साथ ग्लोबल जितने इंडेक्स है सारे इंडेक्स में गिरावट देखा गया है। तो इसलिए हम बात करेंगे कल मार्केट कैसा होगा, क्योंकि हम इस मार्केट अपडेट पर बहुत कम वीडियो बनाते हैं, लेकिन हम जो इन्वेस्टिंग पर वीडियो बनाते हैं कि आपको कब इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इसलिए हम ये अपडेट देना चाहते हैं कि कल मार्केट में गिरावट आ सकती है। तो मार्केट में जब भारी गिरावट की संभावना है तो आप गिरावट का वेट करना है आपको। जब मार्केट में भारी गिरावट आती है तब फिर आपको इन्वेस्ट करना है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि डॉ जोन्स में कितनी गिरावट है। देख सकते हैं 5.55%, मतलब 5.5% से भी ज़्यादा का गिरावट है एक दिन में। समझ सकते हैं 1500 पॉइंट का गिरावट, बहुत ही बड़ी गिरावट है ये। मार्च में जो गिरावट आया था उसके बाद का सबसे बड़ा गिरावट है कि डॉ जोन्स में इतनी बड़ी गिरावट देखी गई है। तो जैसे डॉ जोन्स को हमारा इंडेक्स बहुत ज़्यादा फॉलो करता है, मतलब अप्रॉक्स लगभग फॉलो करता है, तो ऐसे में उम्मीद की जाती है कि कल हमारे मार्केट में भी भारी गिरावट आ सकती है। ये गिरावट क्यों है, इसके डिफरेंट कारण है। सबसे बड़ा कारण है कि जो मार्केट ओपन हुआ US में, तो उसमें जो सेकेंड वेव है कोरोना वायरस का, उसकी संभावना जताई जा रही है कि सेकेंड वेव कोरोना वायरस का आ सकता है, जिसके रिस्पांस पे डॉ जोन्स में देख सकते हैं 5.5% की गिरावट है। कल भी 1% का गिरावट था, तो इस तरह से समझ सकते हैं आप 6-7% गिरावट आ चुका है अभी तक में, 7% के अप्रॉक्स। तो ऐसे में आप जो है उम्मीद कर सकते हैं कि कल मार्केट में गिरावट आ सकती है, भारी गिरावट। तो आपको अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए मार्केट में जैसे गिरावट आती है, और जैसे मार्केट गिरावट के बाद थोड़ा सा सेचुरेट होगा, मतलब थोड़ा सा स्थिर होगा, आपको तुरंत इन्वेस्ट कर देना चाहिए। मतलब जैसे हमारा 8800 के आसपास हमारा पिछले बार का गिरावट था, उससे पहले का तो 7500, मतलब 7500 के अप्रॉक्स चला गया था भारी गिरावट के बाद। तो जहाँ पर जाकर के मार्केट थोड़ा सा स्थिर हो वहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, वहाँ पर स्टॉक का प्राइस जो भी हो आपको ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। तो ये हमारा अपडेट देना था आपको कि कल मार्केट में भारी गिरावट आ सकती है, इसलिए हमने टाइम लिया, थोड़ा टाइम इसलिए लिया कि थोड़ा हम देख लेते हैं कि किस तरह का गिरावट कल आ सकती है मार्केट में। इतना बड़ी गिरावट देख रहे, जितना डॉ जोन्स जितना टाइम बीतते जा रहा है ये नीचे ही चलते जा रहा है। ये देख सकते हैं, ये हमारा लाइन है, देख सकते हैं आज का ये हमारे सुबह के 2 बजे तक मतलब मार्केट ओपन रहेगा, जो वहाँ का मार्केट है हमारा 2 बजे रात्रि, वहाँ का जो है शाम का 4 बजता है। तो इस तरह से यहाँ पर देखते हैं गिरावट जो है वो लगातार कंटिन्यू है। तो ऐसे में आपको देख लेना है कि कल US मार्केट डॉ जोन्स कितना गिरावट है, उसके अनुसार हमारे मार्केट में भी गिरावट आ सकती है। कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता कितना गिरावट होगा या नहीं होगा, लेकिन उम्मीद की जाती है कि हमारा डॉ जोन्स को फॉलो करता है, मतलब ग्लोबल सारे मार्केट में गिरावट है। तो जब ग्लोबल सारे मार्केट में गिरावट है तो निश्चित है कि कल हमारा जो मार्केट है उसमें भी भारी गिरावट होगा। तो आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है कि जैसे स्टॉक्स गिर रहा है तो आप उसको पहले सेल कर दें, फिर नीचे के लेवल पर बाय कर लें। अगर पोजिशन बनाना चाहते हैं मतलब सेलिंग का, तो आप ऑप्शन में फ्यूचर में बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा मार्केट से मतलब सतर्क रहे कि आपको जैसे शॉर्ट सेलिंग करना है तो उसमें भी सतर्क रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट गैप अप ओपन हो तो फिर कम गिरावट देखने मिले आपको आगे चल करके। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें सारे क्राइटेरिया देख के आपको काम करना है। तो ये देख सकते हैं हमारा ग्लोबल इंडेक्स है, यहाँ पर आप देख लीजिए डॉ जोन्स देख सकते हैं 5.32% का थोड़ा सा भी करेक्शन इसमें मतलब वापस आया है, मतलब थोड़ी सी तेज़ी। तो ये तो कभी भी थोड़ा सा मतलब फिर से गिरावट आ जाती है। S&P देख सकते हैं ये भी 4.47%, नैसडेक देख सकते हैं जो कि भारी तेज़ी देखने मिल रहा है बहुत दिनों से, उसमें भी गिरावट। यहाँ पर देखते हैं स्मॉल कैप 200, ये भी गिरावट। P500 VX सिर्फ इसमें तेज़ी है, उसके बाद देख सकते हैं ये हमारा जो SPTX है ये भी हमारा इतना बोस्पा देख सकते हैं, ये जो हमारा ये भी
2.13% का गिरावट। देखते हैं ग्लोबल जितने इंडेक्स है, सारे के सारे इंडेक्स देखते हैं 4%, 5%, 3% गिरावट में देखा गया जा रहा है। तो समझ सकते इतना भारी गिरावट है पूरे ग्लोबल इंडेक्स में। आप देखते जाइए ग्लोबल इंडेक्स में मात्र एक दो ही है जिसमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी है। यहाँ पर देखते हैं विक्स विग 20, इसमें थोड़ा सा मतलब पॉजिटिविटी है, और सारे के सारे ग्लोबल मार्केट देख सकते हैं निगेटिव है। और फिर यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कराची 100 ये पॉजिटिव है, ये वो भी थोड़ा सा पॉइंट में। तो सारे के सारे ग्लोबल इंडेक्स निगेटिव है, तो निश्चित है कि हमारा मार्केट भी कल निगेटिव ओपन होगा, मतलब ग्लोबल मार्केट के अनुसार रिस्पॉन्स करेगा। तो आप समझ लीजिए क्या करना है कल आपको, अगर कोई भी पोजीशन पहले से हो मतलब स्टॉक में तो उसको आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि गैप अप ओपन होगा तो फिर दिक्कत है। और नया जो है आप शॉर्ट सेलिंग कल कर सकते हैं इंटरडे में, और सतर्क होकर के करें। तो ये वीडियो जो है अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है, सबके साथ शेयर करना है जो भी स्टॉक मार्केट में, ताकि वो स्टॉक मार्केट से लगातार अपडेट रहे। तो चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के अपडेट भी आगे हम लेकर के आएंगे, तो आप स्टॉक मार्केट से लगातार अपडेट रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।